अस्सलाम वालेकुम, आई एम प्रोफेसर असद फ्रॉम अडमायर कॉलेज। लेक्चर नंबर 12 है। पहले लेक्चर इससे जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने न्यूट्रिशन पढ़ी थी सिग्मा, और साथ ही दूसरी न्यूट्रिशन पढ़ी थी प्रोडक्ट की। सिग्मा को तो हमने एक्सप्लेन किया था, अब हम दूसरी न्यूट्रिशन को एक्सप्लेन करेंगे, वो है हमारे पास प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इसका साइन जो इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्ट के लिए वो है पाई। इट इज़ अ ग्रीक लेटर रीड एज पाई एंड इज used here as a shorthand notation for product। Shorthand के तौर पर जो हम values को multiply करने के लिए इस्तेमाल करते हैं notation, उसे बोलते हैं product, और वो sign क्या है? pi। अब इसकी example है, if we have to multiply three numbers, अगर हम तीन numbers को multiply करना चाहते हैं, याद रखें multiply के लिए जो notation हम इस्तेमाल करेंगे वो pi करेंगे। थ्री नंबर्स हैं y1, y2 एंड y3। देन अब हम इन तीन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, यानी नंबर 1 मल्टीप्लाई नंबर 2 मल्टीप्लाई नंबर 3 इज इक्वल टू। अब शॉर्ट हैंड नोटेशन में हम इसको इस सारे को एक ही नोटेशन में लिखना चाहते हैं, तो वो कैसे लिखेंगे? अब मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई के लिए नोटेशन क्या है? पाई। पाई आ गया। किसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं? वाई को। ये वाई आ गया। अब ये देखना चाहते हैं कितने नंबर्स हैं, कितने नंबर्स हैं? अब तीन नंबर्स हैं। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 1 से। तो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो आएगा i इज इक्वल टू 1। एंड कहाँ पे हो रहा है? 4 पे। 4 आ गया। अब चेंज कहाँ पे हो रहा है? y के नीचे सबस्क्रिप्ट में आपका चेंज हो रहा है, तो जहाँ चेंज हो रहा है उसको हमने i कह दिया, तो यहाँ पे i लिख दें। तो इस तरह से हम वैल्यूज को एक ही शॉर्ट हैंड नोटेशन में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर हम शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.4 है आपके पास चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज का। एक्सपेंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट साइन। प्रोडक्ट साइन दिए गए हैं, यानी कि प्रोडक्ट को सम करके इकट्ठा एक साइन दे दिया गया है। अब हमने उसको एक्सपेंड करना है, खोल के लिखना है कि कितनी वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन का वो दिया गया क्वेश्चन। अब ये है पाई। आई इज इक्वल टू 2 to 4, यानी आई स्टार्ट हो रहा है 2 से और एंड कहाँ पर हो रहा है? 4 पे। वाई आई माइनस 9। ये देखें जो कांस्टेंट होंगे उन्हें कांस्टेंट रहने दें, जहां आई होगा वहां पे चेंज लाना है, वहां पे आई की लिमिट देनी है। और दूसरा प्रोडक्ट का साइन है तो आपने सिर्फ साइन मल्टीप्लाई लगाते जाना है। अब सेम एज इट इज क्वेश्चन है। अब ये देखें इसको हमने खोलना है। वाई आई, आई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 2 से। ये 2 आ गया। माइनस 9 एज इट इज आ गया, क्योंकि कॉन्स्टेंट है, इसमें तो आई है ही नहीं। अब पाई की वजह से आ गया मल्टीप्लाई। अब आई कहाँ, 2 तो हमने लिख लिया, अब आई क्या आएगा? 3। तो ये 3 आ गया माइनस 9, पाई की वजह से मल्टीप्लाई का साइन। आई नेक्स्ट क्या आएगा? 4। तो ये 4 आ गया। तो इसका मतलब है 2 से लेकर 4 तक था, 2 से लेकर हमने 4 तक तरतीब के साथ जहां आई था वहां पुट कर दिया और प्रोडक्ट की वजह से मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। वाई आई इज इक्वल टू 1 to 3 वाई आई, यानी कि अब तीन वैल्यूज का मल्टीप्लाई का ये नोटेशन दी गई है। I स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 1 से। एंड कहाँ पे हो रहा है? 3 पे। अब देखें इसको लिखें। Y, Y आ गया I, पहला I क्या है? 1। अब इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, खोल रहे हैं। अब साथ साइन कौन सा है? प्रोडक्ट का, पाई। तो ये प्रोडक्ट का है तो ये साइन क्या आता है? मल्टीप्लाई के लिए होता है, मल्टीप्लाई आ गया। अब अगली वैल्यू पे जाने के लिए हमने Y 1 तो लिख लिया, Y अब क्या आएगा? 2। I की जगह क्या आ जाएगा? 2 आ गया। इसी तरह पाई की वजह से प्रोडक्ट का साइन, I की वजह 2 तक पुट कर लिया, अब लास्ट क्या आएगा? 3। तो 1 से लेकर हमने 3 तक पुट कर लिया, तो ये आ गया, और दरमियान में साइन जो आए हैं वो प्रोडक्ट मल्टीप्लाई के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये। पाई आई इज इक्वल टू 1 to 3 ए वाई आई होल का स्केयर। मैंने पहले कहा है जो कॉन्स्टेंट है वो कॉन्स्टेंट रहेंगे, जहाँ आई है वहाँ पर आपने लिमिट देते जाना है, और जो साइन जहाँ पर है वो आपने बताते जाना है, प्लस का है या मल्टीप्लाई का। अब ये देखें सेम क्वेश्चन है, ए कॉन्स्टेंट है एज इट इज आ गया, वाई आ गया। अब आई, आई की जगह हम इसको खोल रहे हैं तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से, तो 1 आ गया। अब स्केयर एज इट इज कॉन्स्टेंट था तो वो कॉन्स्टेंट ही रहा। अब पाई है प्रोडक्ट के लिए तो ये मल्टीप्लाई आ गया। अब आई 1 तो पुट कर लिया, अब क्या पुट करेंगे? 2। तो ए एज इट इज आएगा, वाई भी, और आई की जगह क्या आ गया? 2 का स्केयर। पाई की वजह से मल्टीप्लाई का साइन, ए वाई उसके बाद स्केयर। अब आई क्या पुट करेंगे? 2 पुट कर लिया, फिर क्या आएगा? 3। 3 तक आ गया। तो इसका मतलब यह है कि 1 से लेकर 3 तक था, तो 1 से लेकर 3 तक ये था प्रोडक्ट। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। आई इज इक्वल टू 2 to 4, यानी आई आपका स्टार्ट होगा 2 से और एंड कहाँ पे होगा? 4 पे, और क्या है?
प्रोडक्ट का साइन है, जहां पे आई है वहां पे चेंज आएगा। अब देखें एक्स आई, आई कहां से स्टार्ट हो रहा है, टू से, वाई आई तो वाई कहां से स्टार्ट हो रहा है, टू से आ गया। अब पाई प्रोडक्ट का साइन है तो मल्टीप्लाई आ गया यहां पे, अब आई टू पुट कर लिया, उसके बाद क्या आएगा, थ्री, तो यहां थ्री आ गया, जहां आई था वहां थ्री आ गया। अब पाई की वजह से प्रोडक्ट का साइन, अब आई थ्री पुट कर लिया, उसके बाद क्या पुट करेंगे, फोर, तो यहाँ से टू से लेकर फोर तक हमने इसको एक्सपेंड कर लिया। ये हमारा लेक्चर था इस चैप्टर नंबर वन का लास्ट लेक्चर, जिसमें हमने साइन समझे हैं प्रोडक्ट के। तो अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।